सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल से 11 साल का बच्चा होगा, और ये 11 साल का बच्चा देखो सिगरेट पी रहा है, और कितनी ज्यादा बड़ी और ये शॉकिंग चीज है कि बच्चा 11 साल का, ये 11 से 12 साल का, आई थिंक 11 साल का ये इससे ज्यादा नहीं है, और अभी मैं ना कैप्चर करना भूल गई थी, आपको बता दो ये बंदा पूरा, मतलब ये लड़का छोटा सा बच्चा पूरा डोल के मतलब सड़कों पे ऐसे नाच रहा अजीब तरीके से और सिगरेट पी रहा है, और अब ये तीसरी सिगरेट है इसकी मेरे सामने, हम लोग ये चीज एक गाड़ी से कैप्चर कर रहे हैं यार, कितनी ज्यादा गलत बात है। देखो यार ये हमारे देश का भविष्य है, अगर ये हमारे देश का भविष्य है तो यार क्या ही होगा आगे आने वाले टाइम में। अभी कहते हैं कि घोर कलयुग है, तो फिर आगे क्या होगा ये मेरे को नहीं पता सच में। मैं सीरियसली बच्चे से बात करना चाहती हूँ कि इसको क्या गम है क्या दुख है जो ये बच्चा ऐसा कर रहा है यार 11-12 साल का। एक बार आप, मैं शीशा नीचे करती हूँ गाड़ी का, एक बार आप बुला के देखो ना बच्चे को कि आ जाए तो, इस तरफ करो, इधर आओ बाबू, इधर आओ, कुछ नहीं बोल रहे, इधर आओ एक बार, हाँ तो इधर तो आ, अरे आ जाए एक बार मेरी जान, आना अबे आ जाए यार, कुछ नहीं कह रहे तेरे को, आ जा, कुछ नहीं कह रहे, आ जाओ, डर रहा है वो, आई थिंक कुछ कहने से डर रहा, इधर आ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्या नाम है आपका, नाम क्या आपका, इधर तो आ, इधर तो, कितने साल के हो आप ये बता दो बस, कितने साल के हो, इधर तो आ, हेलो, ये डर रहा है बच्चा ना, मतलब ये डर गया, इधर तो आ, हेलो, चला गया वो पीछे यार, कोई बात नहीं, अभी फ्रंट कैमरा करो, आप देख सकते हो हद मार के 11 साल का बच्चा होगा, सिर्फ 11 से 12 साल का, और ये बच्चा सिगरेट पी रहा है यार सड़कों पे, बताओ यार ये हमारे देश का भविष्य है, ऐसा कौन सा 11 साल की उम्र में दुख और दर्द आपको लग गया कि बच्चा सिगरेट पी रहा है, और कोई भी नहीं इसको वो कर रहा है, मतलब और कोई मना भी नहीं कर रहा है, हम लोग ही है एक लोग, मतलब हम लोग जा रहे थे तो हमने रैंडमली देख लिया कि बच्चा सिगरेट पी रहा है, कितनी ज्यादा गलत बात है यार, ऐसा मत करो, हमारे देश का भविष्य ब्राइट होना चाहिए, ना कि आप लोग हमारे देश के भविष्य को, जो भी लोग देख रहे हैं अगर ऐसा कोई बच्चा कर रहा है तो आप लोगों को रोकना चाहिए यार, हम लोगों ने रोकने की कोशिश की, बात कितने सारे लोगों को हमने बोला उस, मतलब किसी बंदे ने रोका ही नहीं बच्चे को, वो आया नहीं, आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, बट हम लोग बात करते तो कुछ जान सकते, बट आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई ऐसा दिखता है तो आपको रोकना है एंड टोकना है, जरूर रोकना है टोकना है, तभी हम लोगों का भविष्य और हमारे कुछ नहीं कह रहे हम लोग, इधर कुछ नहीं बोल रहे आपको, हम क्या नाम है बेटा तेरा, राजेश, राजेश ऐसे सिगरेट क्यों पी रहा है बच्चा, मेरी मन, मन आपको कोई रोकता नहीं, मम्मी पापा कहाँ है, तो आप ऐसे कितनी उम्र है आपकी, 15 साल के हो आप, और सिगरेट पीना किसने सिखाया आपको, दोस्त वोस्त ने सिखाया, नहीं तो मैं अपने मन से पी, तो आपने कोई नशा भी किया हुआ या सिगरेट से यूज हो, बियर भी रखी है क्या, कि, बात कर रहे हो, कितनी बियर पी रखी है आपने, दो बियर, तो आपको किसके पास काम करते हो आप, अकेले ही रहते हो या, राजेश इधर तो आओ, राजेश इधर आओ, बाबू इधर तो आ, बाबू ये चीजें गलत नहीं है क्या ये बता, स्कूल नहीं पढ़ता यार, क्यों, और मम्मी पापा कहाँ है, कौन से कहाँ पे, कौन से शहर में रहते हैं, यूपी गोरखपुर से, आप यार इतने सुंदर दिखते हो, इतने अच्छे आपके बाल है, इतने स्मार्ट लगते हो, लेकिन आप ऐसी हरकत कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, 15 साल के आप हो, सोचो आप बताओ, गलत अच्छा चीज नहीं है, अभी आपको अच्छा, ये बताओ आपको ये सब करना किसने सिखाया, ये बताओ, तो आपने कोई, नहीं, नहीं। कोई तो सिखाता है, तभी तो कोई इंसान ऐसा बनता है, दुख है गम है कुछ कुछ किसी बात का गम है क्या जो ऐसे कर रहे हो आप, कोई परेशानी समस्या कुछ, और इसके पैसे कौन देता है, नहीं मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, क्या बात कर रहे हो, कमाते हो, ओए इतने पैसे हैं आपके पास, कहाँ से आते हैं आपके पास ये पैसे, काम करते हो आप, रो रहे हो आप, रो रहे हो, रो क्यों रहे हो, ऐसा लग रहा है, राजेश ये कलर भी कराया हुआ बाल में आपने, अच्छा पैसे कमाते हो और अपने ऊपर उड़ाते हो, अच्छा कहाँ पे नौकरी करते हो, यही करता हूँ, किस जगह पे, पश्चिमपुरी में, पश्चिमपुरी में तो बहुत टाइम से हूँ यार, मैं तो मेरे को गए 3 साल, 3 साल अपनी मम्मी पापा से अलग हुए हुए, अलग थोड़ी ना हुए, कहाँ है वो, वो गांव में, कब जाते हो, मम्मी रहते हैं, नवरात्रि में जाऊंगा, हम लोग खुद के दुर्गा जी बैठाते हैं, अच्छा तो मम्मी पापा को पता है ये, अच्छा सब एक करते बात हो? बताओ, एक बात बताओ, आप दुर्गा पूजा में दुर्गा बैठाते हो, तो आप तब भी ऐसा करते हो,
नहीं नवरात्र में तक नहीं, फिर हमने पूरे साल। अच्छा गलत बात नहीं है वैसे, पी करके क्या मिलेगा आपको एक बात बताओ। कोई दुख समस्या है क्या बताओ तो सही हमको? नहीं। क्यों फिर आप पी रहे हो सिगरेट? अब हमें लगा सुनो, तीसरी सिगरेट भी है ना आपने अभी, अभी और मेरे को लगा कि इस बच्चे को थोड़ी 10 सिगरेट हो गई आपकी सुबह से, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मन से मेरा मन से कुछ नहीं होता बाबू, मन तो वैसे शैतान का रूप है। आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे। और आपको पता है हमें लगा आप प्रॉब्लम में हो, आप समस्या। अच्छा मेरे को लगा ये लड़का ना परेशान है, इसलिए मैंने सोचा इसकी पैसों में कुछ हेल्प कर देंगे, लेकिन ये तो बच्चा ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं ऑलरेडी, उसके पास बहुत सारे हैं, ही इज वर्किंग 1500 रुपए उसके जेब में पड़े हुए। अच्छा राजेश मत क्या कर बाबू, मत क्या कर, स्कूल में पढ़ लो यार। स्कूल में नहीं पढ़ते तुम? नहीं। बताओ बैग भी लगाते हैं? अबे राजेश गलत बात है, मम्मी पापा को दिखाएगा क्या बोलेगा कि मैंने ऐसा किया है पूरे लाइफ में? तुम्हें पता है तुम्हारी वीडियो बन रही है, ये तुम्हारे मम्मी पापा पास भी जाएगी, और ये बहुत जरूरी है, ये सब करना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारे मम्मी पापा को पता चले तुम देखो तुम यहाँ पे दिल्ली में रहके। मम्मी पापा से नहीं लेकिन लोग तो बोलेंगे ना। तो आपको किसने छोड़ा यहाँ पर? मम्मी पापा नहीं छोड़ा? नहीं मैं तो अपने मम्मी। यहाँ पर कब आए थे आप? 3 साल पहले। अच्छा तो राजेश मत पिया कर बाबू, मत पिया कर, इंटरनेट ये वीडियो डालूंगी मैं, लोग समझाएंगे कमेंट्स में कि ये चीजें गलत है, 15 साल की उम्र नहीं है आप ये सब चीजें कर रहे हो, खुद सोचो आप कितना गलत कर रहे हो। पैसे मुझे दे दो, पैसे दे दो, क्या करोगे इसका? सिगरेट ही पियोगे, दारू पियोगे? अगर आप अगर अच्छे होते ना, अगर आप अच्छे से जवाब देते तो मैं आपको इससे ज्यादा पैसे देके जाता, पता है आपको? हम यही सोच के आए थे कि लड़का परेशान है या किसी मुसीबत में है तो हम लोग उसकी हेल्प कर देते पैसों में, लेकिन तुमने तो बोला कि मेरे पास बहुत सारे पैसे है, पैसे है तभी तो तुम ये सब चीजें कर रहे हो। गलत बात है, तुम्हारे मालिक से भी आके मिलेंगे कल। हाँ कल मालिक से मिलेंगे आके, कल मैं यही जरूर आऊंगा और आपके मालिक से भी मिलूंगा, ठीक है? और सुधरना है तो कुछ सुधर जाओ। और सुनो आपको है ना कौन सी वो कहते हैं रिहैब में भेजूंगा बेटा, चाइल्ड रिहैब में जरूर भेज के रहूंगा तुम्हें, याद रखना इस बात को मेरी कि तुम आज से 3 दिन बाद चाइल्ड रिहैब में जा रहे हो, ना काम करोगे, और अगर काम किया तो तुम्हारे मालिक को भी और तुम्हें भी दोनों को जेल में भिजवाऊंगा। आप जाओगे चाइल्ड जेल में जहाँ पर बच्चे जाते हैं, और आपके मालिक जाएंगे बड़े वाले जेल में, तो ध्यान रखना इस बात का। अब देख ले भाई तेरे को जेल में जाना है फिर ये सब चीजें करनी है, तेरी मर्जी। तो इस बात से इसलिए बोल रहा हूँ राजेश आपके पास लास्ट चांस है, छोड़ दो ये सब चीजें, कल हम देखने आएंगे रोज अब ये सब, ठीक है ना? इसको छोड़ दो, पियोगे आज के बाद? नहीं पियोगे ना, पक्की बात है, प्रॉमिस। 2 दिन बाद मिलने आऊंगा और तेरे को इससे ज्यादा पैसे देके जाऊंगा। और हम तुम्हें मिलेंगे नहीं, हम इंक्वायरी करने भी आएंगे कि तुम पी रहे हो नहीं पी रहे, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं सबसे सुनो खालसा भाई, खालसा उसको बोल दूं, ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो अब अभी प्रॉमिस करो कि नहीं पीऊंगा मैं, पक्की बात है ना? मम्मी पापा को भी बोलोगे नहीं पीऊंगा, अच्छे से पैसा कमाओ, ठीक है? लेकिन पढ़ लिख कर, ठीक है? चलो ओके बाय, चलो बाय, लास्ट चांस है, ठीक है ना? बाय बाय।